आज की इस वीडियो में हम पुलिस के विभिन्न पदों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे छोटे पद से लेकर सबसे बड़े पद तक की पहचान के बारे में हम बात करेंगे, जिससे पुलिस को देखते ही पता चल जाए कि ये पुलिस ऑफिसर किस पद पर तैनात हैं। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज मिलती रहें। हमारी भारतीय पुलिस में जो सबसे निम्न स्तर का पद होता है वो होता है कांस्टेबल का, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद का जो पद होता है वो होता है सीनियर कांस्टेबल का, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। इसके बाद का जो पद आता है पुलिस का, तो वो होता है हेड कांस्टेबल का, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये होता है हेड कांस्टेबल। इसके ऊपर का जो पद होता है वो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम ASI भी बोलते हैं। इसके ऊपर का जो पद है वो होता है सब इंस्पेक्टर का, जिसको हम SI भी बोलते हैं। इसके बाद का जो पद है वो होता है पुलिस इंस्पेक्टर का। इसके ऊपर का जो अधिकारी होता है वो होता है DSP, जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। इसके ऊपर का जो पद होता है वो होता है ASP का, जिसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं SP, जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। SP साहब के ऊपर का जो पद होता है वो होता है SSP का, जिसको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। इनके ऊपर का जो पद होता है वो होता है DIG का, जिसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी कहा जाता है। इसके बाद DIG के ऊपर का जो पद होता है वो होता है IG का, जिसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। इसके ऊपर का जो पद होता है वो होता है ADGP का, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। ADGP के ऊपर का जो पद होता है वो होता है SDGP का, जिसको स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। SDGP के ऊपर का जो पद होता है वो होता है DGP का, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। यह भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।